नोएडा स्थित मार्वा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वीं ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की गई, जिसमें तीसरे दिन के पहले सत्र में लॉन्चिंग ऑफ 11th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में गणेश शंकर विद्यार्थी को ट्रिब्यूट देने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम पोस्टर रिलीज किया गया। बता दें, गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार तो थे ही, इसके साथ ही वो समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, राहुल रवेल प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, रजा हैदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सैयद महमूद नवाज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, डॉक्टर लवलीन थडानी फिल्म मेकर और लेखक, राजेश बादल वरिष्ठ पत्रकार RSTV, चैतन्य पादुकोण फिल्म पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में अर्दक काकिम जानो, कजाकिस्तान के प्रथम सचिव दूतावास डॉक्टर लवलीन थडानी फिल्ममेकर और लेखक मौजूद रहे, जिसमें जनवरी इवेंट्स एंड आर्गुमेंट्स फ्रॉम कजाकिस्तान फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अर्दक काकिम जानो, कजाकिस्तान के प्रथम सचिव दूतावास को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। वेरी लॉन्ग अगो वी क्रिएटेड इंडो कजाकिस्तान फिल्म एंड कल्चर फोरम, एंड अंडर दिस फोरम वी बोथ द गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, द एम्बेसी ऑफ कजाकिस्तान एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मारवा स्टूडियोज एंड AFT, टुगेदर वी आर प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग आर्ट एंड कल्चर of both the countries. In continuation to all our last efforts where we had a festival of films from Kazakhstan, the scholarship which we have announced for Kazakhstan, this time we had a film from, a documentary film from Kazakhstan, and you can very well read that January Events and Arguments, that's the name of the documentary which has been submitted in this festival, and out of the 9 best documentaries which have begged the award of distinction, even this documentary has also been given this award, and I am happy that the first secretary from the embassy of Kazakhstan, he was here to inaugurate this session. Sir, Kazakhstan aur Bharat ke relationship ke bare mein kya kuch kehenge? Nahi, Hindustan aur Kazakhstan dono bahut purane mitr hain aur kai saalon se hamari maitrita jo hai wo badh rahi hai aur badhti ja rahi hai. Hum log sirf art aur culture ki baat nahi balki aapas mein बिजनेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान से कजाकिस्तान जाने वालों की जो मात्रा है टूरिज्म के अंतर्गत, वो भी दिन रात जो है बढ़ती चली जा रही है, और हम लोगों ने इसे भी अपना फ़र्ज समझा है कि हम कजाकिस्तान को हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर करें ताकि हमारी मैत्री जो है और आगे बढ़े। थैंक यू। We have wonderful relations with Kazakhstan. India has always enjoyed a very close cultural relationship with erstwhile Soviet republics, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, all these countries. And I personally visited Kazakhstan 4 years ago. It is an amazing, amazing, amazing country. It is so beautiful that to my mind it beats Switzerland completely. कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसी विशेष विषय पर आधारित सच्चाई होती है जो विषय के विभिन्न पहलुओं को दर्शक के सामने रखती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की सफलता इस बात में है कि वो गागर में सागर की भांति विषय के बारे में सारी जानकारी किस तरह प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर अतिथिगण से प्रश्न किए और उसके जवाब पाए। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण को ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण, संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का सुशील भारती डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
मुझे बड़ी खुशी है कि आज 11वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के तीसरे दिन हमने अपना 11वां इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डॉक्यूमेंट्री की ये आज ओपन किया है। आज से फिल्में आना शुरू हो जाएंगी, पिछली फिल्मों का चैप्टर क्लोज हुआ है। पिछले साल हमें पेंडेमिक के बावजूद भी तकरीबन 60 फिल्में मिल गई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार 30 मई जो कि लास्ट डेट हम लोग अनाउंस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एकत्र करने की, करीब 100 से भी ज़्यादा इस बार फिल्में आनी चाहिए। और आज की इस सभा में हमारे पास बम्बई से राहुल रवेल जी, चैतन्य जी और दिल्ली से और देश भर से बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर यहाँ पहुँचे, जिन्होंने अपने विचारों को मंच पर रखा और ज़बरदस्त सवालों का और जवाबों का दौर चलता रहा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री है वो एक सच्चाई को सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री जो है वो दब गई थी और मिटती हुई सी नज़र आ रही थी, शायद यही वजह थी 11 साल पहले हम लोगों ने इस दौर को फिर से एक बार शुरू किया है। पूरे देश में कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नहीं है, तो शायद मेरे को लगा कि हम लोग क्योंकि ऑलरेडी फिल्म फेस्टिवल करते रहे हैं और जर्नलिज्म का एक इतना बड़ा फेस्टिवल करते हैं, उसके बीच में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल को जोड़ा है और इसी के प्रभाव से, इस नदी के प्रभाव से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल 2-4 सालों में ही फिर से एक बड़ा, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा। Being nominated for the jury of Moscow Film Festival is a very big honor. It is one of the best and major festivals of India, and I am honored with this nomination. And I am very happy to be here today, क्योंकि मैं संदीप के राइज देख चुका हूँ जो संदीप ने किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये करते रहें और बढ़ते रहें। एक तो संदीप मारवा जी डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स को इतना इनकरेज करते हैं, जो होता है ना आमतौर पे लोग अक्सर डॉक्यूमेंट्री को थोड़ा एक नीचा नज़र से देखा जाता है कि आप फीचर फिल्म नहीं बनाते, मतलब फीचर फिल्म यानी जैसे आमतौर पे अभी जो पठान रिलीज हुई दैट इज़ अ मेन एंटरटेनमेंट फीचर फिल्म, तो वो लोग बोलते डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या रखा है, उसमें क्या मनोरंजन होता है, कोई वायलेंस नहीं, एक्शन नहीं, म्यूजिक नहीं, तो लोग हमेशा एक सौतेली नज़र, जिसको मैं कह सकता हूँ, उस नज़र से डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं। तो संदीप मारवा ने ये जो जो उत्सव में अभी जो डॉक्यूमेंट्री को एक अलग लेवल दिया है और उनको एक रिकग्निशन, उनको एक अवार्ड रिवॉर्ड सब दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि आमतौर पर कोई भी आप में से या कोई भी मतलब आम आदमी या आम स्टूडेंट एक डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, सिर्फ आपको एक मोबाइल की ज़रूरत है। देखिए, जब से ये ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है जी, 11वां साल है और मैं पूरे 11 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ आपके इस इंस्टीट्यूट से जी, और मैंने देखा है कि पूरे इस 11 साल, 10 साल और ये 11वां साल है, इसमें सारे संसार से अनेक देशों की जो फिल्में आती हैं वो हर धरती, हर देश की धरती की नुमाइंदगी करती हैं, वहाँ का कल्चर उसमें देखने को मिलता है, वहाँ की सोसाइटी की जो संरचना है वो देखने को मिलती है, वहाँ के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन देशों की खुशबू आपके इस कैंपस में धड़कती है और महकती है। तो डॉक्यूमेंट्री जो फेस्टिवल है वो चूँकि कम होते जा रहे हैं और हमें ये लगता है कि इसकी तादाद थोड़ी बढ़नी चाहिए या कम से कम उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी हो कि उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। और अभी जो ये है आज का फेस्टिवल जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसकी जो एनर्जी का लेवल है ये बहुत उम्दा है, तो अगर ये बरकरार रहे, ये रहे तो ही बहुत कुछ हो जाएगा। यानी मसलन इसमें बच्चे भी हैं, जो स्टूडेंट हैं वो भी हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी हैं, तो प्रैक्टिशनर्स जब आ करके देखते हैं कि यंग लोग उसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ, हमारा पाव भर खून दौड़ जाता है, क्योंकि भाई हमने तो बहुत कुछ कर लिया या थोड़ा सा आलसी भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो नया दौर है इसको नए तरीके से समझने वाले, एक नई ग्रामर गढ़ने के लिए ये स्टूडेंट ही कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स और होने चाहिए और उसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा होना चाहिए।